धनिये की चटनी बनाने के लिए मैंने धनिया पत्ते लिए हैं फ्रेश, जिसको वॉश अच्छी तरह कर लिया है, और इसको इसमें डाल दूंगी। साथ में मैंने लहसुन की कलियां ली है चार इस तरह से, और चार ही मैंने ग्रीन चिलीज लिए, छोटा सा अदरक का पीस लिया, वो भी इसमें डाल दूंगी। थोड़ी सी मैं इसमें कर्ड डाल दी हूँ दही, ये भुना क्रस्ट जीरा है वो इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा। सॉल्ट, धनिया पाउडर, बस अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। हमारी ये ग्राइंड हो गई है चटनी, इस तरह से इसका कलर आया, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे इस तरह से। तो मेथी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है नॉन स्टिक की, यहाँ पर फ्लेम भी मेरी ऑन हो गई है, यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो अब इसको थोड़ा सा गर्म हो जाने देंगे, और मैंने आलू इस तरह से छोटे छोटे काटे हैं, अच्छी तरह काट के इनको वॉश कर लिया है, और मेथी भी बहुत बारीक बारीक काटी, अच्छी तरह भी इसको वॉश कर लिया है मैंने। तो ये हमारा ऑयल गरम हो, इसमें हम डाल देंगे जीरा, जीरा को भूनने देंगे। साथ में मैं यहाँ पर हींग डाल रही हूँ, यहाँ पे मैंने कोरिएंडर है उसको इस तरह से क्रश किया हुआ है, बिल्कुल ना बारीक पाउडर नहीं लिया, इसको डालेंगे मेथी में तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। तो थोड़ा सा जीरा हमारा क्रैकल हो जाए उसके बाद इसको ऐड करेंगे। इसी टाइम पे मैं ये कोरिएंडर जो मैंने क्रश किए थे इस तरह से उसको डाल दूंगी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है इससे। हल्का सा ही भूनना है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी मेथी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ अब मैं पोटैटोस जो मैंने काटे थे वो भी ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको एक मिनट तक थोड़ा सा हाई फ्लेम पे मैं ऐसे ही थोड़ा सा वो करूंगी, तो थोड़े क्रंची ही इसका वो आएगा पोटैटोस का। अब एक मिनट के बाद फ्लेम मेरी लो कर दी है मैंने, अब इस टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही ऐड करना है, कम डालना है ज़्यादा करना है। हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, यहाँ पर मैं कोरिएंडर पाउडर नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैंने कोरिएंडर उस तरह से क्रश करके इसमें डाल दिए हैं इसीलिए। बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको लो फ्लेम पे ही कुक करना है जब तक हमारे आलू ना गल जाए।
अब इसके लीड से हम इसको कवर कर देंगे। अभी तो ये 10-15 मिनट्स लगेंगे पोटैटोज़ को गलने में, तब तक हम लो फ्लेम पे रखेंगे। तब तक इसको हम दूसरे फ्लेम पे शिफ्ट कर देते हैं और हम दूसरी सब्जी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आलू गोभी की दूसरी सब्जी बना रही हूँ, कढ़ाई मैंने रख दी है। तो गोभी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। मस्टर्ड ऑयल लिया है, वो भी गर्म हो चुका है। तो यहाँ गोभी लिया है मैंने, इसको मैंने उबाला है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। उबालती इसलिए हूँ कि ताकि कोई कीड़ा हो कुछ हो तो उससे सेफ रहें। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी गोभी की सब्जी, में फ्राई करके ही बनाऊँगी, तो ये बहुत टेस्टी बनती है। गाइस जब मैंने इसको कुक किया तो ऑलमोस्ट ही 30% तो कुक हो ही चुकी है। अब फ्राई करूँगी तो 10-20% तब कुक हो जाएगी, तो फिर इस सब्जी को बनने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि मैं आलू को भी फ्राई करके ही बनाऊँगी। तो इतना कलर चेंज करना है हमें इसे, बस अब इसको हम निकाल लेंगे, इसका एक्सेस ऑयल निकाल के। फ्लेम मेरी हाई पे मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। एक ना अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इस तरह से बनाते हैं। तो गाइज इसी तरह से मैं पोटैटोज को भी फ्राई करूँगी, इसके बाद मैं वही ऐड करने वाली हूँ। तो पोटैटोज को ऐड कर दिया है मैंने हाई फ्लेम पे, इसको भी फ्राई करूंगी। इसमें भी कलर वैसे ही देना गोभी जैसा, थोड़ा सा क्रंची टाइप में ब्राउनिश कोड इससे एक ना कोडिंग आ जाए, उस तरह हमें इसको फ्राई करना है। तो अब चेक कर लेते हैं कि हमारे पोटैटोस गल गए हैं कि नहीं, तो मैश करके देखेंगे। आसानी से गल गए, कोई मैंने वाटर भी ऐड नहीं किया। इस टाइम पे मैं यहाँ पर टमाटोज़ ऐड कर रही हूँ। टमाटोज़ मैंने एक बड़ा टमाटर लिया और एक आधा लिया है, क्योंकि मेथी की सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी बने तो अच्छा टेस्ट आता है। इस टाइम पे मैं ऐड करूँगी, साथ साथ मैं इसमें इस टाइम पे ऐड करूँगी गरम मसाला। पहले मैं इसके ऊपर ये मैंने ना ग्रेटेड जिंजर इस तरह से ग्रेड किया, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो उसे भी डाल देंगे। विंटर्स में तो बहुत मिलते हैं और कोई नुकसान भी नहीं करते, ऐसे एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसको ऐसे डाल दूँगी, साथ ही साथ मैं इसमें ऊपर से अब ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। बस अब इसको 2-3 मिनट और कुक करेंगे ताकि हमारे टमाटोज़ गल जाए, तो हमारी ये सब्ज़ी डन हो जाएगी। इसी टाइम पे हमारे साथ साथ मैंने अपने जो गोभी की सब्जी के लिए पोटैटो किए थे वो मैंने निकाल लिए हैं, इस तरह से फ्राई किए हैं। दोनों को सेम में ही निकाला है और ऑयल में और ऐड नहीं कर रही हूँ, ऑयल जितना है उतना ही है, क्योंकि मैंने इनको सब्जियों को फ्राई किया है। अब इस टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी जीरा, थोड़ा सा यहाँ पे मैं इस टाइम पे हींग भी ऐड कर रही हूँ, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा इसको कैकल होने देंगे। इसमें मैं अब गार्लिक ऐड करूँगी, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं अगर आप नहीं पसंद करते हैं, मगर यह है कि इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। इस तरह से चॉपर में मैंने इसको गार्लिक को चॉप किया है बिल्कुल बारीक। थोड़ा सा हमारा जीरा पैकल हो जाए तो मैं इसको ऐड कर दूँगी। अब इस टाइम पे मैं डाल दूँगी इसे, तो गार्लिक भी हमारा भून चुका है। ये दोनों वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब
अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दोनों वेजिटेबल्स और सब मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब हमारी बॉइल भी है सब्जी और फ्राई भी है, तो ऑलमोस्ट 50-60% ही कुक हो चुकी है। अब इस टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करना है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ पर मैं कोरिएंडर पाउडर ऐड कर दी हूँ इसमें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम कर दिए, थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि नॉन स्टिक की कढ़ाई नहीं है। और इसको मैं कवर कर दूँगी तो 5-10 मिनट्स लगेंगे बस इसको होने में। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई की, बॉईल की, तो सिर्फ 5 मिनट्स लगे, पोटैटो भी गल गए, गोभी भी गल गई अच्छी तरह। तो यहाँ पर मैं टमाटोज ऐड कर दूँगी। टमाटोज मैंने छोटे वाले 2 लिए हैं। पानी भी आपने देखा मैंने कितना कम ऐड किया है। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऊपर से गरम मसाला। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे गोभी में। और प्लस इसमें मैं ऊपर से कोरिएंडर लीव्स डाल दूंगी। बस अब इसको 5 मिनट और लगेंगे, टमाटोज गल जाएंगे, तो ये सब्जी भी हमारी डन है। बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। बस इसको कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। और तो गाइज बस 1 मिनट ही कुक करूँगी ताकि एक सब्जी सारी एक मिल जाए सब कुछ। 1 मिनट कुक होके हमारी आलू मेथी की सब्जी डन है। तो आलू गोभी डन हो गई, इसके बाद हम दाल बनाएंगे। दाल ही हमें मूंग की बना रही हूँ, मूंग साबुत। मैंने इसको 1-1.5 घंटा पहले भिगो दिया था, वॉश भी कर लिया, फ्रेश पानी भी भर लिया। अब कुकर में मैं इसको ऐड ऑन कर दूँगी। इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे क्योंकि ये दाल ना पानी बहुत एब्जॉर्ब करती है। फ्लेम में ऑन कर रही हूँ हाई पे। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं सॉल्ट, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ताकि हमारा पानी निकले ना। इसे प्रेशर लगा देंगे। फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया क्योंकि जब ये ढक्कन लगाए तो फ्लेम ऑन ही रहनी चाहिए। अब फ्लेम मैं दोबारा ऑन कर रही हूँ हाई पे। अब इसमें विसल आने दूंगी, एटलीस्ट 3 पे हाई पे आएगी, फिर मैं इसको 2-3 मिनट्स के लिए सिम कर दूंगी, तब हमारी ये दाल हो जाएगी। तो दाल के तड़के के लिए यहाँ पे मैंने पैन रख दिया जिसमें घी डाला है, घी गर्म हो चुका है हमारा। इसमें जीरा ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे। प्लस एक मैं देगी मिर्च भी डाल रही हूँ उसमें। अब मैंने एक ऑनियन इसमें चॉप्ड किया इस तरह से, वो भी इसमें डाल देंगे।
इसको थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन सा हो जाएगा तब तक इसे हमें ऐसे कुक करना है। मगर इसी बीच में मैंने क्या कहते हैं गार्लिक और जिंजर, गार्लिक इस तरह से चॉप किया, जिंजर ग्रेड किया, वो भी डाल दूँगी। दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसे। अब चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं जिंजर और गार्लिक को अगर आपको पसंद नहीं है, मगर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दाल में। अब इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अब इसी टाइम पे मैं इसमें मैंने टमाटोज काटा है वन, वो डाल दूंगी। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सॉल्ट मैंने दाल में भी डाला था, इसमें इसलिए डाल दूँ कि हमारे टमाटोज थोड़े से गल गए। थोड़ी सा कोरिएंडर पाउडर डालना है मैंने, थोड़ी सी रेड मिर्च डालनी है। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो मसाला पक चुका है। ये जो मूंग की दाल है जो मैंने उबाली थी इस तरह से है, इसको अच्छी तरह से मैंने इस स्पून से ऐसे करके अब इसमें ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। अभी ये ठीक है, इसमें पानी ऐड करना है तो पानी भी गर्म ही डालूंगी मैं इसमें। अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे गरम पानी इसमें ऐड कर रही हूँ मैं, जितनी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उसके हिसाब से बना लीजिए। थोड़ा और ऐड करूँगी। बस इसमें हम उबाल आने देंगे, उबाल आ जाएगा फिर इसमें मैं गरम मसाला और कोरिएंडर लीव्स डालूँगी तो हमारी दाल डन है। दाल में उबाल आ चुका है, अब मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और कश्मीरी मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। बस मैं कोरिएंडर लीव्स भी डाल दूँगी, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा इसका। बस हमारी दाल डन है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी स्क्वीज कर सकते हैं थोड़ा, उससे और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा, मगर मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। हमारी दाल डन है। तो बथुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बथुआ लिया है और इसमें थोड़ी बहुत मैंने मतलब 10 ग्राम कुछ धनिया पत्तियाँ भी ऐड कर ली है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको इसमें ऐड कर दूँगी, मैंने कुछ भी नहीं डाला, इसको ऐसे ही ऐड कर रही हूँ। प्लस ऊपर से मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर इस तरह से मैंने क्रश्ड ग्रेड किया था एक्चुअली मैं, तो उसको डाल दूँगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे भी। और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारी गल जाए, और इसको कवर कर देंगे। तो इस प्रोसेस में 10 मिनट्स तो लगेंगे इसको होने में। रायता बथुए के बनाने के लिए यहाँ पर दही लिए जिसे अच्छी तरह मैंने इस तरह से कर लिए है, और जो बथुआ मैंने बॉईल किया था वो इस तरह से है, तो उसको हाथ से ही मैश कर देंगे। बहुत ठंडा हो चुका है ये, आराम से मैश हो रहा है, क्योंकि हाथ से मैश करेंगे तभी होगा अच्छी तरह, इस तरह से। वैसे मैश हो चुका है, अब इसको इस रायते में ऐड कर देंगे। मिक्स कर लेंगे। इसका बहुत अच्छा रायता बनके तैयार होता है, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हमारी जो दही है वो गाढ़ी है,
इसमें मैं यहाँ पर पानी ऐड करूँगी इस टाइम पे। कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रखनी है कि कितना थिक चाहिए कितना पतला चाहिए। तो इसके तड़के के लिए पैन तड़का रख दिया मैंने, यहाँ घी डाला है, फ्लेम ऑन कर दिए, इसे गर्म होने देंगे। तो विंटर्स में ये रायता बहुत टेस्टी बनता है। तो घी गर्म हो गया, यहाँ पे मैं जीरा ऐड कर रही हूँ उसमें। थोड़ा सा हींग भी ऐड करेंगे। प्लस इसमें देगी मिर्च डाल रही हूँ मैं, दूसरी मिर्च भी डाल रही हूँ, लाल मिर्च। फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये हमारा तड़का इसका तैयार हो गया, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसको। इसमें ऐड कर देंगे, इसका तड़का ऐसे ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। इसके तड़के से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। देखिए इसका कितना अच्छा कलर लग रहा है। अब इस टाइम पे मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें से थोड़ा सा मैं काला नमक भी ऐड करूंगी, उससे इसका और टेस्ट अच्छा आएगा। तो गाइज़ हमारा बथुए का रायता तैयार है, बहुत यम्मी टेस्टी बनता है ये। तो गाइज़ होममेड स्वीट डिश बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आटा प्लेन ही गूंथा है, जैसे हम डेली लाइफ में अपने गूंथते हैं वैसे ही है। तो इसको मैंने कर लिया, अब इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़ा थोड़ा मोटा ही लिया है मैंने। असल में जो मैं डिश बना रही हूँ उसको हम चूरमा कहते हैं। तो हमें इसको बासी रोटी से भी बना सकते हैं और फ्रेश आम से भी बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनता है और बच्चों को तो बहुत पसंद आता है, अगर आप उस समय कुछ नहीं बना सकते तो। थोड़ी ये रोटी ना मोटी ही बनती है। तवे पर डाल दिए, फ्लेम मेरी हाई पे है। इसी तरह से मैं दूसरी वाली बेल लूँगी। तो मैंने जितना भी आटा किया उसकी सबकी ही बनाऊंगी। दूसरी भी मैंने कर ली, यहाँ पर तवे पे देखते हैं सिक चुकी है। अब ये दूसरी वाली हम तवे पे डाल देंगे और इसको ऐसे सेकेंगे। गाइज ये थोड़ी रोटी मोटी ही बनेगी। इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेकना है। तो चूरमे के लिए जो रोटी मैंने बनाई थी उसको मैंने हाथ से तोड़ के ग्राइंडर में डाल दिया, इससे ना बहुत इजीली चूरमा बन जाएगा। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये ग्राइंड कर लिए रोटीज़ मैंने, तो देखिए कितनी फाइन हो जाती है। वैसे हम चकले पे ऐसे करके करते तो मेहनत भी लगती है और बहुत वो होती है। अब सेमी ग्राइंडर में मैंने शुगर ली है। ये आपको अपने जितना आप रोटी ले रहे हो उसके मेज़रमेंट के हिसाब से, कितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से आपको लेना है। इसके अलावा आप शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं और बूरा भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैंने यहाँ चीनी ली है जिसका मैं शुगर पाउडर बनाऊंगी फिर उसे यूज़ करूँगी। तो शुगर पाउडर मैंने ऐड कर दिया, मैंने उतना ही लिया है जितना मुझे सफिशेंट था इसमें। प्लस मैं यहाँ पर मेल्टेड घी इसमें डाल रही हूँ क्योंकि सर्दियों का सीज़न है तो घी जम जाता है, तो घी भी उस हिसाब से डालना है।
गाइस बस ये ठंडा हो जाए फिर इसके बाद में मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में इस तरह से अगर बनाएंगे तो। मिक्स ही हाथों से ही होगा क्योंकि प्रॉपर आपको इसमें वो शुगर पाउडर मिक्स करना है। घी आप देख लीजिए कम ज़्यादा कुछ लगे, मैं घी इसमें थोड़ा सा और ऐड करूँगी क्योंकि चूरमा में अगर घी नहीं है तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए अभी ये थोड़े से ना मिक्स भी अच्छी तरह हो गया। और मैं हम इसे ऐसे ही नहीं खाएंगे, इसके मैं लड्डू बनाऊंगी इस तरह से तो लुक में भी अच्छे लगेंगे। तो इस तरह से लड्डू बनते हैं, बहुत यमी लगते हैं खाने में, इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी। राइस बनाने के लिए कुकर मैंने रख दिया, घी मैं इसमें डाल रही हूँ। फ्लेम मेरी ऑन ही है, घी गर्म हो चुका है। अब इस टाइम पे मैं इसको जीरा राइस बना रही हूँ तो जीरा डाल दूँगी। साथ ही साथ मैं यहाँ पर कड़ी पत्ता एक बड़ी इलायची खोल के एक छोटी इलायची डाल दूँगी, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। इसको मिक्स कर लेंगे, इलायची का और उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जीरा राइस तो बहुत अच्छे लगते हैं स्पेशली घी में जो हम इसको छोंकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास राइस लिए हैं तो यहाँ पर मैं 1.5 गिलास से थोड़ा सा कम लूँगी पानी, 1 गिलास मैंने डाल दिया है पर 1/2 गिलास से थोड़ा सा कम डाला है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं सॉल्ट भी ऐड करूंगी क्योंकि हमने जीरा राइस बनाया है तो सॉल्ट भी ऐड कर देंगे। तो गाइस बस अब इसका मैं जब लीड लगाऊंगी तो फ्लेम तब ऑफ कर दूंगी। बस लीड लगा दी है मैंने इसकी, अब मैंने फ्लेम फिर ऑन कर दी हाई पे, एक ही विसल आने दूंगी, एक विसल में अच्छी तरह ये खिल के चावल बन जाएंगे। तो चावल हमारे डन है, प्रेशर भी रिलीज हो गया। ये देखिए अब इसमें कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे, उससे और टेस्ट अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं। इसको इस तरह से देखेंगे तो कितने अच्छे चावल बने, देखिए कितने खिलमा चावल बने। हल्का सा उसको ना बिल्कुल मैश नहीं करना है, बस इस तरह से ऐसे देखना है। लच्छा परांठे के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है, इसमें मैंने सूजी मिलाई है थोड़ा क्रंची बनाने के लिए। मैदा का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ी शुगर डालूँगी, थोड़ा ब्राउनिश फ्लेवर है इसका। सॉल्ट, यहाँ पे अजवाइन, बस अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने मैदा इसमें नहीं मिलाया, मैं सिर्फ गेहूं के आटे के ही बना रही हूँ। बस वैसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते रहेंगे। आटा लग गया हमारा, थोड़ा सा मेल्टेड घी से भी इसको करके इसको 10-15 मिनट्स रखना है कि
ताकि अच्छा से एक स्मूथ सा डो बन जाए इस तरह से। तब हम इसको रख देंगे ढक के। तो लच्छा परांठे का जो आटा है मेरा, ये इसे रेस्ट भी काफ़ी टाइम हो गया, इसको हाफ एन आवर हो चुका है। या मैंने एक पेड़ा लिया इस तरह से, थोड़ा सा मोटा ही लेंगे, थोड़ा सा ड्राई फ्लोर लिया है मैंने यहाँ पे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं अपने डेली लाइफ में, उसी तरह से इसको बनाना है। तो यहाँ मैंने इतनी बेल ली है नॉर्मल रोटी, बस इसमें घी यूज़ करेंगे, यहाँ तेल नहीं यूज़ करते, तो घी यूज़ कर रही हूँ मैं। पूरे पे अच्छी तरह लगा लेंगे। बस अब इसको इस तरह से मोड़ना है, फिर एक ऐसे उठा के इस तरह से करना है। आपकी ऐसे लेयर बनती जाएगी। इस तरह से बीच में थोड़ा सा घी और ऐसे लगा दूंगी मैं, फिर उठाएंगे वो लेयर को ऐसे कर देंगे, फिर उठाएंगे वो लेयर ऐसे कर देंगे। तो बस इसी तरह से इसे गोल करेंगे पेड़े की तरह। और जो एक्स्ट्रा वाला पेड़ा है, उस पेड़ा नहीं, जो एक्स्ट्रा वाला जो ये वाले लेयर है उसको हम नीचे ऐसे कर देंगे और इसको ऐसे कर देंगे, प्रेस कर देंगे। फिर ड्राई फ्लोर फिर यूज़ करना है हमें। तो यहाँ तवा गरम हो चुका है मेरा, इस पर हल्का सा मैं घी लगा दूँगी ऐसे, और ये जो लच्छा परांठा मेरा है उसको डाल देंगे। तवा मेरा गरम हो चुका है, जब तक ये सीखे इसी तरह से दूसरा पेड़ा का बना के लच्छा परांठा तैयार कर लेते हैं। साथ साथ इसे भी संभालते रहेंगे, ये सीख चुका है। तो अब इस पर हम घी लगा देते हैं, फ्लेम मेरी लो पे ही है। इसको ऐसे से हल्का प्रेस कर लेंगे ताकि थोड़ा क्रंची सा सीखे। और देखो ये लेयर्स भी दिखाई दे रही हैं। तो ऐसे नहीं है, आटे के गेहूं के आटे से भी बहुत अच्छा बन जाता है, बहुत टेस्टी लगता है। तो गाइज हमारी विंटर स्पेशल थाली तैयार हो गई, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही हेल्दी है। और गाइज़ ये क्या कहते हैं, आप ये देखिए मैंने जो गेहूँ के ये बनाए लच्छे कितने अच्छी तरह बने हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो गाइज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट जो बटन बेल बटन है उसको भी हिट कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।